हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो भाई, सवेरा का टाइम है तो खेती करते हैं, तो खेती में एक बार आना बनता है सवेरे के टाइम खासकर। तो दोस्तों, आज का सीन होने वाला है, मैं जा रहा हूँ कोंडागांव, तो वहाँ करता हूँ मैं असेंबल का काम पावर वीडर का। तो दोस्तों, आज इसी पर वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज मैं कोंडागांव जाऊँगा पावर वीडर के शोरूम में, तो वहाँ का फिटिंग का काम करता हूँ, तो वहीं आज करने जा रहा हूँ। तो आज आपको दिखाऊंगा कि वहाँ किस तरह से पावर वीडर असेंबल होता है। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो देख सकते हैं भाई, मैं नहा धो के रेडी होके अब निकल चुका हूँ कोंडागांव की ओर। तो भाई, अब मिलते हैं आप सभी से कोंडागांव पे। तो भाई, मैं शोरूम में आ चुका हूँ, तो मेरे पीछे देख सकते हैं तो इतना सारा पावर वीडर भरा हुआ है, तो आधा तो फिटिंग हो गया है, तो बाकी बचा है तो आज उसको फिटिंग करने वाले हैं। तो जस्ट अभी अभी यहाँ शटर खोल चुके हैं, देख सकते हैं, से अभी ओपन करने वाले हैं। लास्ट पीस बचा है, बाकी तो फिटिंग हो चुका है, अभी इसको खोलेंगे। और इस तरह से बॉक्स में पैकिंग होके आता है पूरा, जो भी सामान रहता है पूरा इस तरह से पूरा पैकिंग होके आ जाता है पूरा एक सामान। भाई ये देख लो, यह है पूरा पावर मीटर, तो पूरा शोरूम है। तो भैया इधर फिटिंग में लगे हुए हैं, साथ साथ दोनों करेंगे आज। ये पूरा है जो है, पूरा डब्बा में पैकिंग होके आया था, तो पूरा उसको खोल लिया है और बखेर दिया है यहाँ। तो ये लोग पूरा असेंबल करेंगे, जो असेंबल करने के बाद उधर देख रहे हैं तो इस तरह से कुछ दिखता है फिटिंग के बाद।
तो भाई फाइनल फिटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से लुक दिखता है इसका। तो अभी इसे अभी फिट करके रेडी कर चुके हैं और बाकी पहले से इधर खड़ा है, पहले से फिटिंग होगा।